बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वाकिफ चीमा और आप देख रहे हैं चैनल चीमा पेट्स ऑफिशियल। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज आपको अपने बर्ड्स का बर्ड्स दिखाएंगे जो हमारे पास छत में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पीछे मेरे बर्ड सेटअप है, इसमें जो भी हमारे पास बर्ड्स हैं आज मैं आपको सारे दिखाऊँगा वन बाई वन करके इंशाल्लाह। तो देखिएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आखिर तक वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखिएगा और कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे और बताइएगा एंड में आपको वीडियो कैसी लगी। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चले आए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले अपने पिजन दिखाऊंगा। ये देख लें, आप देख रहे हैं ये मेरे पास जो टोली वाले पिजन को कहा जाता है आम जुबान में, ये इकट्ठे उड़ते हैं, फ्लाइंग करते हैं और ग्रुप की शक्ल में ये पूरे फजा में चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं एरिया का। और ये देख लें, ये माशाल्लाह से उड़े हैं, ये सारे के सारे जो है मेरी होम ब्रीड है घर में, यहाँ मेरे पास ये सारी ब्रीड है, ये देख लें। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास एक पेयर रेसर पिजन का है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, ये ब्लू बार में फीमेल है, बहुत ही खूबसूरत फीमेल है, आपको इस साइड से दिखाता हूँ। ये देख करें, ये चेक करें, और ये साथ इसके व्हाइट कलर का मेल है। ये रेसर बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत प्यारे हैं। उसके अलावा इसके पीछे ये देख लें, यहाँ पर एक सुबह मुझे चिक्स नजर आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से अभी ये चिक निकला हुआ है, एक अंडा मेरे ख्याल मैंने जाया कर दिया है और एक ही चिक निकाला है। लेकिन अभी मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, सर्दी का मौसम है, तो इनका जो है सर्दी के मौसम में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए अभी इनका खाने का टाइम है, ये वापस आ चुके हैं। ये देखिए अभी मैं इनको दाना डालता हूँ, शाम हो चुकी है, तकरीबन शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं अभी इनको इनका दाने का टाइम है। इस तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ परवाजी भी हैं मेरे पास। ये देखें, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये पिजन कैसे लगे और ये इनकी जो वीडियो में आपको नजर आ रही है कैसे क्वालिटी वाइज कैसे हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो और अभी इनकी जो सफाई होने वाली है सेटअप की, बहुत ज्यादा गंद हो चुका है, तो यही मसला है, मैं इनको टाइम नहीं दे पाता। इंशाल्लाह अभी इनकी कुछ सेटिंग वगैरह करेंगे तो वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहेंगे, साथ साथ आपको इनकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और इस तरफ मेरे जो ये शेड बना हुआ है इसके अंदर मोर है, उसके अलावा लव बर्ड्स की कलोनी बनी हुई है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा दिखाने की, तो फिलहाल मैं आपको ये कबूतर ही दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से इन्होंने पूरी छत के ऊपर अपनी जो है नेस्टिंग की हुई है, जहाँ इनको जगह मिलती है ये वहां पर अंडे दे देते हैं और चिक्स निकाल लेते हैं। ये देखें अभी हम आपको चीज दिखाता हूँ, ये देखें ये इस कॉर्नर में थोड़े पुराने बॉक्स और लकड़ी के डब्बे वगैरह पड़े हुए हैं, इनके पीछे भी मैंने कल ही देखा है कि चिक्स है, वो देखें माशाल्लाह से यहाँ पे भी दो चिक्स पड़े हुए हैं। हालांकि ये बॉक्स था लेकिन बॉक्स में इन्होंने ब्रीड नहीं की, मुख्तलिफ जगह पे घर के जिस कोने में भी छत के ऊपर जहां भी कोई इनको जरा सी भी सेफ जगह मिलती है वहां पर ये अंडे और बच्चे दे देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये जी हमारे मोर हैं माशाल्लाह से, ये फीमेल है, ये साथ मेल है। उसके अलावा इस कॉर्नर में लव बर्ड का सेटअप है, पहले काफी सारे बर्ड थे लेकिन टाइम के साथ साथ इनको थोड़ा वाइंड अप करना पड़ा, अभी इंशाल्लाह दोबारा से इनको बढ़ाएंगे और आपको सारे शौक भी साथ साथ दोस्तों को करवाएंगे। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा पूरा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये एक दफा मैं आपको साथ लव बर्ड की कॉलोनी का भी थोड़ा व्यू देता चलूं। ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पर भी ब्रीड आना शुरू हो गई है, ये देखें ये पूरा सेटअप लव बर्ड का लगा हुआ है। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।